हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। एंड द सिस्टम इज वेरी बेसिस ऑफ योर होल अकाउंटिंग। पूरा अकाउंटिंग इसी सिस्टम पे डेवलप्ड है और इसी पे डिपेंडेंट है। आप जो भी अकाउंटिंग करोगे, हम इसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम बन जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। इससे रिलेटेड आपने पिछले वीडियोस में पढ़ रखा होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, तो आपके पास एक प्रिंसिपल आया था, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब आप याद करोगे उस कॉन्सेप्ट को, तो क्या था वो? कहता था कि भाई हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट्स एंड बोथ द इफेक्ट शुड बी रिकॉर्डेड। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ईदर ऑन द डेबिट साइड एंड ऑन द क्रेडिट साइड। तो ईदर नहीं होगा, वन इफेक्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड अनदर इफेक्ट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। ये हमने पढ़ा था, और जिस सिस्टम से फॉलो करते हैं वही सिस्टम कहलाता है डबल एंट्री सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां पर हर ट्रांजेक्शन की हम डुअल एंट्री करेंगे। डुअल एंट्री मतलब वो कहीं ना कहीं किसी दो अकाउंट को अफेक्ट कर रहा होगा और दो जगह वो रिकॉर्ड होगा। तो ऐसा सिस्टम जहां पर हम हर ट्रांजेक्शन को, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, कहां रिकॉर्ड करेंगे? वन एस्पेक्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड अनदर एस्पेक्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो इस सिस्टम को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। मीनिंग समझ में आ गई अब आपको? अब इस सिस्टम में हमें मेनली पढ़ना है कि भाई ये सिस्टम कौन से आपके अप्रोच पे बेस्ड है। तो दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच आपने पढ़ी थी भाई, अमेरिकन अप्रोच पढ़ी थी, मॉडर्न जिसको बोलते थे। अब हम ट्रेडिशनल पढ़ेंगे, जो हमने बोला था अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच, या इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश अप्रोच। तो ट्रेडिशनल या इंग्लिश अप्रोच आज हम पढ़ेंगे, एंड पूरी अकाउंटिंग आपके, बिलीव करिए, इसी कॉन्सेप्ट पढ़ ली है। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आज, तो आपकी पूरी अकाउंटिंग समझिए कंप्लीट हो गई है। अकाउंटिंग में और कोई रूल नहीं है, यही एक रूल समझना है, और इसके बाद इस रूल का एप्लीकेशन आपको करके दिखाना है। तो हम देखते हैं ये रूल क्या है। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये जो सिस्टम है, आपने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कहता था कि अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन है वो पांच तरीके के हैं। कौन से पांच तरीके थे? एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो ये पांच टाइप के ट्रांजेक्शन उन्होंने क्लासिफाई किए थे एज पर मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनली कहता है कि भाई ट्रांजेक्शन जो आपके वो दो ही टाइप के हैं। उन्होंने मेनली क्लासिफाई किया जो आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, ट्रांजेक्शन अकाउंट्स के बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, और जितने अकाउंट है वो सिर्फ दो टाइप के हैं। कौन से दो टाइप? या फिर वो पर्सनल हैं और या फिर इम्पर्सनल हैं। यहाँ पर्सनल का मतलब वो नहीं कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है या मेरे ये पर्सनल है, मेरे मोबाइल ना देखे, वो वाले पर्सनल। आपकी फीलिंग्स की बात नहीं हो रही, इमोशंस के या आपके रिलेशन की बात नहीं हो रही है। पर्सनल मतलब इंडिविजुअल। यहाँ अकाउंट में पर्सनल हम न्यूमेरिकली पढ़ते हैं और सब्जेक्ट बेस पढ़ेंगे। तो पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? जो किसी पर्सन को बिलोंग करें, किसी पर्सन को डिनोट करें। अब ये कौन पर्सन भाई? पर्सन हम और आप भी हो सकते हैं, और कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। दूसरा पर्सन क्या मतलब? आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो पर्सनल अकाउंट क्या है सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो पर्सनल अकाउंट वो सारे अकाउंट होंगे जो भी किसी भी पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। पर्सन का मतलब किसी भी आइडेंटिटी को डिनोट कर रहे हैं। तो किसकी आइडेंटिटी होती है भाई? आइडेंटिटी तो हमारी भी होती है और बिजनेस की भी हो सकती है। आपने पढ़ा ना, बिजनेस इज हैविंग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो इसीलिए कोई भी पर्सन या कोई भी आइडेंटिटी वाला बंदा आ जाए तो उसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। अगर अकाउंट में आप किसी के नाम से कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। अब पर्सनल अकाउंट भी तीन टाइप के हैं। सबसे पहला आता है नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन का मतलब जो नेचुरली पर्सन है। नेचुरली पर्सन कौन है भाई? जो वीडियो के उस पार बैठा हो, जो वीडियो के इस पार है, यानी हम हैं और आप हैं। आप और हम कौन है? नेचुरली पर्सन है। हमको बनाया नहीं गया आर्टिफिशियली, वी आर नेचुरली पर्सन, वी आर बॉर्न। कैसे बॉर्न अब वो नहीं आप जाइए, लेकिन बॉर्न है नेचुरली, गॉड ने हमको बनाया है, ठीक है। तो कोई भी अकाउंट्स अकाउंट में अगर आप रिकॉर्ड करोगे जो कि किसी जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग है उनको डिनोट कर रहा हो,
आप कहोगे नेचुरल सर कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, शेर भी है, सियार भी है, तो क्या वो सारे नेचुरल? नहीं, नाम तो सर उनका भी होता है, शेरू डॉगी कुछ भी बोल सकते हो, तो क्या वो भी अकाउंट है? नहीं, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? वुमन की बात कर रहे हैं? नहीं, दोनों की बात कर रहे हैं, ह्यूमन एंड वुमन दोनों, तो ह्यूमन में ये सब आ जाएंगे। तो ऐसे में देखिए, नेचुरल पर्सन का मतलब राम का अगर अकाउंट आ जाए, अकाउंट हम नहीं लगाते हैं पर्सन के सामने, श्याम जी का अकाउंट आ जाए, सीता का अकाउंट आ जाए, या गीता का अकाउंट आ जाए, किसी का भी अकाउंट आ जाए जो कि किसी नाम को डिनोट कर रहा हो कि हमने राम से पैसे लिए, श्याम को पैसे दिए, सीता को गुड्स बेचा, गीता से गुड्स खरीदे, तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन हो बिजनेस में जहां नाम इन्वॉल्व हो जाए, तो वो नाम क्या डिनोट करेगा? नेचुरल पर्सन को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? अब आते हैं जो हमने बोला आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी तो किसी बिजनेस की भी हो सकती है, नाम किसी बिजनेस के भी हो सकता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है आर्टिफिशियल, आपने पढ़ा होगा आर्टिफिशियल, एनीथिंग विच इज मैन मेड, जिसको ह्यूमन ने बनाया है वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है, गॉड मेड नहीं है, वो मैन मेड है। तो मैन मेड कोई भी चीज आर्टिफिशियल है। तो अगर किसी भी पर्सन को मैन बनाता है, रोबोट की बात नहीं हो रही यहां पर, यहां पर बात हो रही है इंस्टीट्यूशंस की, ऑर्गेनाइजेशंस की, फर्म्स की, बिजनेस की, इंडस्ट्री की। तो इनमें से अगर किसी के नाम से आ जाए, जैसे आ जाए SBI अकाउंट, SBI अकाउंट, SBI अकाउंट आप जानते हैं, SBI में खोलिए, अभी नहीं खोलिए, लंच चल रहा है, कोई बात नहीं, SBI में खोल लिया, या आपने कहा KFC अकाउंट, KFC में अकाउंट खोल लीजिए, है ना, या फिर आप कोई भी फर्म ले लीजिए, IPL लिमिटेड, IPL का अकाउंट आ गया, BCCI अकाउंट, कोई भी अकाउंट आ जाए जो किसी रजिस्टर्ड फर्म को डिनोट कर रहा हो, तो वो सारे अकाउंट कहलाएंगे। ये क्या है? सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फर्म हो गई, यूनिट हो गई, उनको डिनोट करेगा, तो वो कहलाएंगे आर्टिफिशियली पर्सन। आर्टिफिशियली पर्सन, एनी पर्सन विच इज क्रिएटेड बाई लॉ। लॉ का मतलब कोई कंपनी जब हम रजिस्टर्ड करते तो वो आर्टिफिशियली हो गया। तो जब किसी कंपनी से आपने गुड्स खरीदा फ्रॉम शर्मा टी स्टॉल, हमारे लखनऊ बड़ी फेमस है शर्मा टी स्टॉल, चाय आइए कभी पी के जाइए, बिल्कुल टुंडे कबाबी, वहां से अगर आप खरीदे, तो आपने कोई भी फर्नीचर खरीदा मान लीजिए XYZ स्टोर से, तो उस स्टोर का नाम जो आएगा वो क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सन है, वो रजिस्टर्ड दुकान है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक्चुअली पर्सन नहीं है, उनका नाम रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ पर्सन। वो क्या होंगे आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, अभी हम इसको स्पेस छोड़ देते हैं। आपको समझ में आ गया पर्सनल अकाउंट क्या है? जब किसी इंडिविजुअल या किसी बिजनेस यूनिट से रिलेटेड, किसी इंसान या किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कोई भी अकाउंट आए, तो वो पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो नेचुरली पर्सन हो या आर्टिफिशियली पर्सन हो। सेकेंड आते हैं रियल अकाउंट पे, रियल, अब सॉरी सेकेंड आएंगे हम इम्पर्सनल पे। इम्पर्सनल मतलब वो अकाउंट जो पर्सनल नहीं है, जो किसी के नाम, इंडिविजुअल या बिजनेस को डिनोट नहीं कर रहे होते। तो ये कौन से होंगे? दो टाइप के होंगे, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, जो रियल में है और जो रियल में नहीं है। ये रियल में है मतलब रियल में आपके पास क्या चीज हो गया, तो रियल अकाउंट डिनोट्स अकाउंट्स रिलेटेड टू बेसिकली दो चीजों से, प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स। एसेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई अकाउंट आ जाए तो वो कहलाएगा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा होता है? इम्पर्सनल होता है, क्योंकि ये किसी के नाम से नहीं आता। जैसे आपने परचेज किया तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का अगर अकाउंट आप बना लोगे तो क्या है? प्रॉपर्टी का अकाउंट है। प्रिमाइसेस का अकाउंट बनाए तो वो भी आपका क्या है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है। अदरवाइज आप एसेट्स देखिए, तो फर्नीचर आपने अगर खरीदा तो एसेट खरीदे ना, फर्नीचर का अकाउंट हो गया, या मशीन का अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट,
कार का, अगर मोटर कार आपने खरीदी तो कार का अकाउंट, ऐसा कोई भी एसेट, फर्नीचर, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सब क्या है? रियल अकाउंट है। ये रियल में आपके पास टैंजिबल चीजें हैं, इसी के अंदर आपका इनटैंजिबल भी आ जाता है। देखिए रियल अकाउंट जो होंगे वो टैंजिबल रियल अकाउंट और इनटैंजिबल दोनों हो सकते हैं। हम यहां पर लिख दे रहे हैं टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। अब आपको इसका मतलब पता होगा टैंजिबल और इनटैंजिबल क्या होते हैं। टैंजिबल विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो वो रियल अकाउंट। सारे यहां पे जितने अकाउंट लिखे हैं ये सारे टैंजिबल है। इनटैंजिबल रियल अकाउंट कौन से होते हैं भाई? इनटैंजिबल रियल अकाउंट कौन से हो जाएंगे? जिनको आप देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सारे आपके इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं। ये हमें दिखते नहीं है, छू नहीं सकते, लेकिन स्टिल दे एक्ट एज एन एसेट। इसके लिए आपने पढ़ा होगा हमारा जो अकाउंटिंग टर्म्स का वीडियो, उसको आप रिवाइज कर लीजिए एक बार। आपको रियल अकाउंट मतलब जो भी टैंजिबल इनटैंजिबल एसेट है सबके मीनिंग क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। हम अभी आगे बढ़ते तो रियल अकाउंट क्या होगा? ऐसा कोई भी अकाउंट जो कि डिनोट कर रहा होगा किसी प्रॉपर्टी या एसेट्स को। क्लियर है? आप बिजनेस में कोई भी एसेट खरीदोगे, प्रॉपर्टी खरीदोगे, बेचोगे, तो उनसे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो वो कहलाएगा रियल अकाउंट। क्लियर है? और हम आते हैं नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब विच इज नॉट रियल, जो कि रियल में है नहीं, दिख ही नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है तो इंटेंजिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। नॉमिनल अकाउंट रिलेट्स टू अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। तो ऐसा कोई भी अकाउंट जो कि एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन इनको रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो कहलाएगा नॉमिनल अकाउंट। जैसे बिजनेस में क्या क्या खर्चे करते हो, एक्सपेंस कौन से होते हैं? सैलरी अगर आपने पे की मान लीजिए, रेंट पे किया, रेंट अकाउंट आप दिखाओगे, वेजेस पे करते हो तो आप वेजेस का अकाउंट दिखाते हो, ऐसे कोई भी एक्सपेंस कर रहे हो आप, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, कुरियर, कोई भी खर्चे करो तो वो सारे क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। इसी तरह कोई इनकम आ जाए, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अगर मान लीजिए आपको रिसीव हो रहा है तो कमीशन अकाउंट, रेंट रिसीव हो रहा है तो रेंट अकाउंट आप दिखा दोगे, इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट आप दिखा दोगे। तो ये सारे क्या है? ये सारे कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट। ऑल द अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन, तो ये सारे क्या है? रियल चीजें नहीं है, बट स्टिल वी आर मेकिंग पेमेंट और रिसीविंग इनकम ऑन बिहाफ ऑफ दीज अकाउंट्स। इनके अकाउंट के बिहाफ में हमारा कुछ ना कुछ पैसा जा रहा होता है और कोई ना कोई इनकम आ रही होती है। तो ये जनरली सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, भाई हम कोई सर्विस दे रहे हैं उनके एवज में पैसे रिसीव कर रहे हैं। क्लियर है? तो तीन टाइप के अकाउंट हो गए मेनली अगर क्लासिफाई करने के बेसिस पे, अदरवाइज वी हैव टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो कि आर्टिफिशियल और नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट जो कि रियल और नॉमिनल होते हैं। रियल का मतलब सारी एसेट्स और प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करता है और शो करता है, और नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट करते हैं सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन को। अब हम वापस आते हैं, हमने आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव को छोड़ रखा था। ये क्या होता है? इसको सबसे समझने का आसान तरीका है, शॉर्टकट आपके पास क्या है कि अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट में हम कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड कर दें, इफ एनी सफिक्स और प्रीफिक्स इज एडेड टू अ नॉमिनल अकाउंट, इट बिकम्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब सर इसका सफिक्स प्रीफिक्स का मतलब नहीं समझ आया, तो देखिए सफिक्स प्रीफिक्स मतलब मान लीजिए आपका नॉमिनल अकाउंट है सैलरी, आपने एक सिंपल लिखा सैलरी अकाउंट या रेंट अकाउंट, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम कोई सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड कर दें, सफिक्स क्या, सपोज प्रीपेड या सॉरी प्रीपेड सैलरी लिख दिया, अगर हमने लिख दिया प्रीपेड सैलरी अकाउंट, तो प्रीपेड का मतलब हो गया एडवांस में आपने सैलरी पे कर दी। तो अगर आपने सैलरी एडवांस में पे कर दी तो किसकी सैलरी एडवांस में पे की, किसी एक पर्सन की या किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन की सैलरी पे होगी? होगी तो ये प्रीपेड सैलरी अकाउंट जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को या किसी एक पर्सन को।
जिसकी सैलरी एडवांस में पे करके जा चुकी है, या आउटस्टैंडिंग आप लगा दो रेंट, रेंट के अगर आपने आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट लगा दिया, इट विल शो दैट रेंट इज पेबल टू दिस पर्सन और टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, हमें इस पर्सन को या इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना पैसा देना बाकी है। तो वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसी एक पर्सन को या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसके ऊपर हमारी अभी उधारी बाकी है, हमें जिसको पैसा देना बाकी है, उस पर्सन को डिनोट करेगा। इसीलिए जब भी आप इनमें से किसी भी नॉमिनल अकाउंट में सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड कर देते हो, आउटस्टैंडिंग लगा दिया, प्रीपेड लगा दिया, एडवांस लगा दिया, एक्रूड लगा दिया, ऐसा कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स जुड़ जाए, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करने लग जाता है, जैसे आपने सैलरी पे कर दी, सैलरी अकाउंट कभी किसी पर्सनल अकाउंट को डिनोट नहीं करेगा, सैलरी पे कर दी खत्म हो गया, बिजनेस में सैलरी जाती है, किसी एक एम्प्लॉय के नाम से कभी सैलरी नहीं जाती। लेकिन अगर सैलरी किसी की बकाया रहेगी, भाई एक एम्प्लॉय को हम सैलरी नहीं दे पाए, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखेगा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी वो दिखाएगा कि भैया इस सैलरी यानी इस पर्सन की इतनी सैलरी देना बाकी है, तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। कब? जब आप प्रीपेड यानी एडवांस या आउटस्टैंडिंग लगा दोगे। क्लियर हुआ? तो मेन हमारे पास तीन टाइप के पर्सनल, मतलब तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को हम दो पार्ट में करते हैं, तो रियल और नॉमिनल। कई बुक्स में आपको पर्सनल रियल नॉमिनल ही दिखता है, और कई जगह आप पढ़ोगे तो पर्सनल इम्पर्सनल करके डिस्क्रिमिनेट किया गया है। ये आपको समझ में आ गया? तो हम आगे आते हैं। अब देखिए, मेन है हमारे अकाउंटिंग में ये रूल, गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं भाई। अकाउंटिंग को पढ़ने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल यही है, और ये रूल आपने समझ लिया तो आपको अकाउंट्स आ गई, सिंपली अकाउंट्स आ गई, बस आपको उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो देखते हैं, तीन अकाउंट हमने पढ़े थे अभी, पर्सनल इम्पर्सनल, जिसमें पर्सनल को हमने अलग रखा था, और इम्पर्सनल के दो अकाउंट किए थे, रियल और नॉमिनल। हम यहाँ पे इन तीनों को अलग से लेके आए हैं और इनके रूल पढ़ते हैं। रूल क्या कहता है कि भाई डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, किस चीज़ को हम डेबिट करेंगे। जैसे हमने मॉडर्न अकाउंट में पढ़ा होगा आपने कि एसेट्स के बढ़ने को फेवरेबल होता है तो डेबिट कर दो, घटने को क्रेडिट। ऐसे ही यहाँ पर क्या रूल एप्लीकेबल होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच आपसे क्या कहता है कि कब डेबिट करो और कब क्रेडिट करो। इसके लिए देखिए, तो जब हम पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट क्या करते हैं और क्रेडिट क्या करते हैं। देखिए, डेबिट करते पर्सनल अकाउंट किसी भी पर्सन को डिनोट करेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करेगा, तो जो बेनिफिशियरी होगा उसको आप डेबिट करिए, और जो पेयर होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट कर दीजिए किसको, रिसीवर को, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट करते हैं द पर्सन हु इज गिविंग द बेनिफिट, दैट इज गिवर। तो अकाउंट्स में पहला रूल आता है पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट कहता है कि भाई डेबिट करिए रिसीवर को, क्रेडिट करिए गिवर को। मींस अगर आपने राम को पैसे पे किए, कैश पेड टू राम, तो राम क्या हुआ, रिसीवर हुआ, तो आप राम का अकाउंट डेबिट करोगे, राम विल बी डेबिटेड। और अगर कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम हो जाए, तो हमें पैसा किससे मिला है, श्याम से। श्याम क्या है, यहां पर गिवर है, दे रहा है ना पैसा, श्याम से हमको पैसा मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, श्याम इज क्रेडिटेड। तो आप क्रेडिट करोगे और डेबिट करोगे, किस टाइप से, तो आपने देखा जैसे अगर रिकॉर्डिंग करते हो आप, जनरेटरी अगला चैप्टर पढ़ोगे, यहां पर एप्लीकेशन नहीं दिखा रहे, अगले चैप्टर में आप इसका एप्लीकेशन देखोगे। तो जब भी आप पैसा मिलेगा किसी पार्टी से, तो वो रिसीवर हो गया जिसको मिल रहा है, जिस पार्टी से पैसा मिल रहा है या जिस पर्सन से पैसा मिल रहा है वो गिवर है, तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। क्लियर है? अगर एक एंट्री आई, राम पेड टू श्याम, अब इसमें देखिए, राम पेड टू श्याम, तो रिसीवर कौन है, डेबिट कर दीजिए, और गिवर कौन है, उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहां पे राम पे कर रहा है तो राम गिवर है, और श्याम रिसीव कर रहा है तो श्याम रिसीवर, यानी आप दिखाओगे रिसीवर कौन है, श्याम, और गिवर कौन है, राम। क्लियर हो गया? कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं रियल सॉरी पर्सनल के रूल को। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड रूल पे। तो सेकेंड आता है हमारा रूल रिगार्डिंग
रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है भाई, डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। तो रियल अकाउंट में आपने पढ़ा था क्या होता है, सारे एसेट्स और प्रॉपर्टी आते हैं, रियल चीजें आती हैं, ठीक है, किसी का नाम नहीं होता, किसी इमेजिनरी चीज को नहीं बात कर रहे, रियल चीजें हैं। तो यहां पर जो चीज हमारे पास एसेट्स बढ़ेगा तो फायदा है, तो इसीलिए डेबिट व्हाटएवर आइटम कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो कोई एसेट अगर आपके पास आ रहा है तो उसको डेबिट करिए, एसेट आएगा तो फायदा है, और जब एसेट हमारे पास से जाएगा तो नुकसान है यानी घाटा है, उसको क्रेडिट कर दीजिए। क्लियर है? जैसे परचेज्ड फर्नीचर, या आप फर्नीचर ना लिख दिए, कार कर लीजिए फॉर कैश। आपने कैसे खरीदा फर्नीचर को? कैश में खरीदा। अब आपके पास देखिए क्या आया, कार आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कार आ रही है तो कार डेबिट हो जाएगी, और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है तो आप कैश को क्रेडिट कर दोगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट हमारे पास आएगा वो डेबिट होगा, जो एसेट हमारे पास जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ये रूल समझ में आया? अब आते हैं हम तीसरे रूल पे। तीसरा रूल हमारा है रिगार्डिंग नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में आप याद करिए क्या रिकॉर्ड करते थे हम लोग, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन, इनको रिकॉर्ड करता था। तो हम जब भी एक्सपेंस पे करोगे तो आपका क्या होगा भाई, कैपिटल कम होगी, इसलिए वो फेवरेबल है, इसलिए हमेशा डेबिट होगा। तो ये कहता है भाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट कर दो, और इनकम और जो हमारे गेन्स हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी इनकम या गेन आएगा उसको क्रेडिट कर दो। कि जब आप एक्सपेंस करोगे तो आपका कैपिटल कम होगा बिजनेस का, इसलिए हमारी लायबिलिटी कम होगी और इसलिए फायदा है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट कर दीजिए इनकम्स और गेन को, ठीक है। तो जैसे आपने सैलरी पे की, पेड सैलरी, और रिसीव्ड रेंट, मान लीजिए दो ट्रांजेक्शन है आपके पास, आपने सैलरी पे कर दी और रेंट रिसीव किया, तो जब आप पे कर रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंस है क्या, सैलरी। तो यहां पे सैलरी को आप डेबिट कर दोगे, सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और जब आप रेंट रिसीव कर रहे हो, रिसीव्ड रेंट, तो आपके लिए क्या है, रेंट इनकम हो गई, तो इनकम के केस में रेंट को आप क्रेडिट करोगे। दो अलग ट्रांजेक्शन है, एक सिंगल ट्रांजेक्शन तो नहीं है। तो जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करोगे तो उनको डेबिट करके दिखाओगे, और जब कोई इनकम आती है तो आप हमेशा क्रेडिट करके दिखाओगे। तो ये तीन बेसिक गोल्डन रूल होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल का जो रूल है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट करिए रिसीवर को, क्रेडिट करिए गिवर को, जो पैसा दे रहा है उसको क्रेडिट, जिसको पैसा मिल रहा है वो डेबिट हो जाएगा। डेबिट कौन हो जाएगा, जिसको मिल रहा है क्रेडिट, जो दे रहा है, देने वाला क्रेडिट, लेने वाला डेबिट। रियल अकाउंट एसेट्स और प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करता था, तो जब भी एसेट्स आएंगे तो हमारे लिए फायदा है, तो डेबिट कर दीजिए, डेबिट व्हाटएवर एसेट्स आर कमिंग इन, क्रेडिट व्हाटएवर एसेट्स आर गोइंग आउट ऑफ द फर्म, जो फर्म से जा रहे उन एसेट को क्रेडिट कर दीजिए। नॉमिनल अकाउंट आपको कहता है कि भाई एक्सपेंस इनकम्स को रिकॉर्ड करना है, तो जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, उनको डेबिट कर दो, और जितनी भी इनकम और गेन्स आए हैं उनको क्रेडिट कर दीजिए। तो इससे हमारा बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा कि ये रूल क्या कहता है। तो जितने भी अकाउंट है उनको हमने क्लासिफाई किया पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और पर्सनल, रियल, नॉमिनल के हिसाब से आप देख लीजिए भाई पैसा आ रहा है, जा रहा है, गुड्स आ रहे, जा रहे, या रिसीवर है, गिवर है, क्या है, इसके अकॉर्डिंगली समझ में आ गया। तो आई होप ये वीडियो हमारी क्लियर हो गई है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, और हमने देखा ना कितने टाइप के अकाउंट है, बेसिकली दो हेड होती है लेकिन उसको डिवाइड करें तो तीन टाइप के, पर्सनल के, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है, और इम पर्सनल अकाउंट के दो अकाउंट होते हैं, रियल और नॉमिनल।
रियल अकाउंट में सारे एसेट्स और प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड होती हैं और नॉमिनल में सारे एक्सपेंस और इनकम्स। इसके बाद आपने देखा कि इनके रूल क्या होते हैं। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। क्लियर हो गया आई हैव? अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट के साथ जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है। और जर्नल के साथ अब हम अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेंगे जहां पर इन रूल को अप्लाई करना सीखेंगे। तो टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।